तो बच्चों, आज हम आप लोगों को संस्कृत सुबोध का सप्तम पाठ यही यही वीर रे पढ़ाने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? पढ़ाने। तो इसका हम पहले संस्कृत पढ़ेंगे, इसके बाद इसका अनुवाद करके आप लोगों को बताएंगे। ठीक है? शुरू करें। एही एही वीर रे वीरता विदेहि रे भारतस्य रक्षणाय जीवनम प्रदेहि रे। तो एही एही वीर रे वीरताम विदेहि रे भारतस्य रक्षणाय जीवनम प्रदेहि रे। आओ आओ हे वीरो, अपनी वीरता को जानो और पहचानो, भारत की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दो या अपने जीवन का बलिदान कर दो। त्वम ही मार्गदर्शकम, त्वम ही देश रक्षकम, त्वम ही शत्रुनाशकम, देश प्रेम वर्धकम। त्वम ही मार्गदर्शकम, त्वम ही देश रक्षकम, त्वम ही शत्रुनाशकम, देश प्रेम वर्धकम। त्वम ही मार्गदर्शकम, तुम ही मार्गदर्शक हो। क्या हो? तुम ही मार्गदर्शक हो, यानी रास्ता दिखा, देश रक्षकम यानी रास्ता दिखाने वाले हो, तुम ही देश की रक्षा करने वाले हो। तुम ही शत्रुनाशकम, देश प्रेम वर्धकम, तुम ही शत्रुओं का नाश करने वाले हो तथा देश प्रेम को बढ़ाने वाले हो। साहसी सदा भवे, वीरताम सदा भजेम, भारतीय संस्कृति मन से सदा धरेम। हमेशा साहसी बनो। क्या करो? हमेशा साहसी बनो। साहसी सदा भवे, हमेशा साहसी बनो तथा वीरता को अपने मन में धारण करो तथा वीरता का हमेशा गान करो। ये जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति मान से सदा धरे, ये जो भारतीय संस्कृति है इसको सदा हमेशा अपने मन में धारण करे। पदम पदम मिलत चलेत, सोत्साह मनोभवेत, भारतस्य गौरवाय सर्वदा रणे जयेत। पदम पदम मिलत चलेत, सोत्साह मनोभवेत। कहने का मतलब है कि कदम कदम को मिला के चलो, कदम कदम के मिला के चलो तथा उत्साह भरो, उत्साह को मन में भरो, भारत देश की रक्षा करो। भारतस्य गौरवाय सर्वदा रणे जयेत। भारत देश की रक्षा के लिए, भारत के सम्मान के लिए, गौरव के लिए हमेशा रण में विजयी हो या हमेशा आपकी जीत हो। एही एही वीर रे वीरता विदेहि रे भारतस्य रक्षणाय जीवनम प्रदेहि रे। आओ आओ हे वीरो, अपनी वीरता को जानो और पहचानो, भारत की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दो या अपने जीवन का बलिदान कर दो।